इसलिए मैं उसकी सांसें, उसकी जिंदगी उसे जी लूंगी। और अगर किसी वजह से वो नहीं मरी और उसने तुझे देख लिया फिर? अम्मी, ये देख रही क्या है? जहर? हाँ, जहर। सबको यही लगेगा मम्मी कि परी की मौत ना दम घुटने से हुई है। इतनी देर आग में थी इसलिए तुम्हें की वजह से उसकी ऑक्सीजन कम हो गई। किसी को पता नहीं चलेगा कि असल में उसकी मौत इस जहर से हुई थी। लेकिन नीति, लेकिन वेकिन कुछ नहीं मम्मी। अब मेरे रास्ते में कोई लेकिन वेकिन नहीं आ सकते। लाइफ सब कुछ छीनने के बाद एक और मौका देती है अपना सब कुछ वापस से हासिल करने का। आज मुझे वही मौका मिला है मम्मी, और परी की मौत मेरे ही हाथों लिखी। अब चाहे वो 7 तालों में बंद हो जाए, लेकिन मुझसे उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। पुत्र, मेरी बात सुन, मत कर ऐसा। पुत्र, मैं मत कर ऐसा। मम्मी, आप ना अब मुझे बिल्कुल नहीं रोकेंगी, समझी? अब मैं जा रही हूँ अंदर उसे मारने के लिए। अब तभी वापिस आऊंगी जब वो मर जाएगी। नीति, मेरी बात सुन। परी, 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 प्लीज उठो ना। देखो देखो, देखो सब लोग हैं, सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं, सब लोग हैं यहाँ पे। ताऊ जी, मम्मी, सब लोग हैं यहाँ पे। परी, प्लीज अपनी आंखें खोलो ना। परी, क्यों कर रही हो तुम हमारे साथ ऐसा? परी, प्लीज आंखें खोलो। अब तक क्या रिपोर्ट है इनकी? इनको जल्दी होश आ जाएगा ना? देखिए, अभी हम परी को दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। आप लोग एक एक करके वहाँ परी से मिल सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा अभी पॉइंट ये है कि परी की बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड करे तो हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। लेकिन परी बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। परी, सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा कि तुम रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो। परी, तुम्हें ठीक होने के लिए रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। प्लीज परी, उठ जाओ प्लीज। जितनी बातें करनी है तुम्हें परी से कर लो सच्चू, क्योंकि इसके बाद परी से बात करने का कोई मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। आज तुम्हारी जिंदगी की किताब से परी नाम के इस पन्ने को हमेशा के लिए फाड़ के फेंक दूंगी मैं। फिर तुम चाहे कितना ही रोना, परी कभी नहीं आएगी। परी के मरने के बाद बस तुम होगे और मैं होंगी। परी, प्लीज आगे बोलो ना। परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? परी, ऐसा मत करो। परी, आप लोग सब यही रुक जाएंगे, एक बार हम पेशेंट को अंदर सेटल कर ले। ओके, नीति परी को लेके परेशान है। चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में कई बार शुरू में पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है, तो चिंता मत करना। अरे, ठीक हो जाएगी ना? हाँ, जान बसती है ना उसकी तुझ में, ऐसे थोड़ी ना तुझे छोड़ के चली जाएगी वो। चलती हूँ मैं। जान तो उसे छोड़नी पड़ेगी, अब चाहे मुझे अपनी जान की बाजी क्यों ना लगानी पड़े। परी को तो मैं मार कर रहूंगी। मैंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा दिया है, आप देखते रहिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लीजिएगा। जी। ताई जी, ताऊ जी और अमित वीर जी कहाँ हैं? वो अमित उन्हें अपने साथ लेके आए घर की हालत देखने, और वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने कहा कि रास्ते में दवाई भी ले लें, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैं उन्हें कॉल करके बुला लूंगी। ताई जी, आप भी प्लीज टेंशन मत लीजिए, आप यहाँ सोफे पर आराम कर लीजिए, मैं हूँ परी के साथ। ठीक है।
जल्दी ठीक हो जा परी। मैं तेनू ऐसी हालत में नहीं देख सकती। लोग चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, तो मेरे लिए सिमी से पढ़कर ही है। तुझे जो तकलीफ हो रही है ना, दर्द मेरे दिल में हो रहा है। ऐसा गहरा रिश्ता हो गया है तेरे नाल। मैंने कभी सोचा भी नहीं था तो मेरे इतने करीब आ जाएगी। लेकिन जो ये अटूट रिश्ता बांधा है ना तूने मेरे नाल, इसे तोड़कर जाने की सोचना भी मत। संजू, तेरे ताऊजी का फोन है, शायद दवाई के बारे में कुछ पूछना चाह रहे होंगे। मैं अभी आती हूँ। अगर परी को खत्म करना है तो संजू को भी बाहर भेजना पड़ेगा। अभी तो यहाँ किसी की परछाई थी, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। शायद मेरा वहम होगा। सुनिए, आप रिसेप्शन पे चलिए, रूम और ट्रीटमेंट का पेमेंट कर दीजिए। जी। ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, संजू आए उससे पहले परी का काम तमाम करना होगा। अभी इंजेक्शन देने का टाइम नहीं है, जल्दी से गला दबा देती हूँ। बॉडी भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो कुछ कर भी नहीं पाएगी, और ऊपर से तड़प तड़प के मरेगी वो अलग। कब से दिल में तुझे मरते हुए देखने की इच्छा लिए घूम रही थी, आज फाइनली वो दिन आ ही गया। मैंने तो एक बार भी परी को चेक नहीं किया। माना मेरी ड्यूटी दूसरे वार्ड में, पर परी दोस्त है मेरी, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। मुझे उसे देखना होगा। सॉरी परी, माफ कर दे मुझे, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुझसे बदला तो लेना था ना, और मेरा बदला तेरी जान लेकर ही पूरा होगा। जान के बदले जान, तूने मेरे सारे रिश्तों की जान ले ली मुझसे। अब तू भी अपनी जिंदगी के लिए तड़पेगी, जैसे मैं तड़पी थी अपने रिश्तों के लिए, अपने प्यार के लिए। बस बहुत हो गया, अब तू मर जा प्लीज। तुझे मौत मुबारक हो परी। क्या हुआ, इतना लेट क्यों आ रही है? अरे बच्चे के स्कूल जाना था ना, इसलिए लेट हो गया। तूने मेरा रिश्ता तोड़ा ना, अब मैं तेरी सांसें तोड़ दूंगी। क्या लगा तुझे, हाँ? मीठी मीठी बातें करके तू मुझसे मेरे संजू को छीन लेगी? बिल्कुल नहीं, तू मुझसे मेरे प्यार को नहीं छीन सकती परी। इस दुनिया में तू क्या, कोई भी मेरे संजू को मुझसे नहीं छीन सकता, समझी? ठीक है। क्या हुआ, हाँ? क्या हुआ, कोई आ नहीं रहा तुझे बचाने के लिए? बुलाना अपने परिवार को, निकाल अपने नकली आंसू, दिखा अपनी ये हालत, बुला, मैं भी तो देख कौन बचाता है तुझे आज। देख कोई नहीं है यहाँ पर, कोई भी नहीं, ना संजू और ना ही तेरी सो कॉल्ड मम्मी। सॉरी जी, मैं ना तेरी बेटी है तो उनकी, पर कोई नहीं आ रहा तुझे बचाने के लिए, कोई आएगा भी नहीं। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है परी, खुद को बचाएगी नहीं क्या मुझसे?
बचा ना, थोड़ी कोशिश कर ले, थोड़ी ताकत लगा बचाने की, पर तू कुछ नहीं कर पाएगी। आज तो तेरा मरना तय है। कहते हैं ना, भगवान ने जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं, इंसान ना उसे एक ज्यादा ले सकता है और ना ही एक कम। तेरे भी सांसों की गिनती खत्म होने वाली है परी। अब परी नीति में से सिर्फ नीति बचेगी, परी नहीं। अब सबके जुबान पे सिर्फ नीति का नाम होगा, तेरा नहीं, समझी? Yes, sir. क्या हुआ? बोल ना कुछ, दिन भर बोलती रहती है। अब भी बोल, जुबान क्यों बंद हो गई है तेरी? हाँ, आंखें खोल, देख तेरी दोस्त तेरे साथ क्या कर रही है आज। ऐसे तो पूरा परिवार तेरे से प्यार करता है ना, लेकिन देख कोई तुझे बचाने नहीं आ रहा। सही कहते हैं, जब मरने वाले होते हैं ना तो सब साथ छोड़ देते हैं परी। देख तेरे साथ तो और भी बुरा हो रहा है। तेरी हर मुसीबत में तेरा साथ देने वाली नीति, तेरे लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाली नीति आज खुद तेरी जान ले रही है। बस बहुत हो गया, मर जा, गुड बाय। और हाँ, आज के बाद मेरी जिंदगी में लौट कर कभी मत आना, क्योंकि इस जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत मैं तुझसे करती हूँ। मर जा। अब परी सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगी। स्वर्ग नहीं तो नरक में जाएगी ना। मर क्यों नहीं रही है? इतनी आसानी से नहीं मरेगी। इसे ऑक्सीजन मिल रही है ना, इसका मास्क उतार देती हूँ। जल्दी से बाहर चली जाती। नहीं, बाहर जाऊंगी तो पकड़ी जाऊंगी। क्या करूं, यहीं छुप जाती हूं। बोलो, इट्स एन इमरजेंसी, इन्हें पंप करना होगा, अब डिप्लॉय। सिस्टर, पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है, इनके फैमिली मेंबर्स को बुलाइए जल्दी। आप लोग जल्दी से अंदर आइए, इमरजेंसी है, डॉक्टर ने बुलाया है। क्यों हुआ यार? क्या हुआ डॉक्टर? हमने बहुत कोशिश की बट पेशेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, इनका हार्ट वर्क नहीं कर रहा है।
Sorry to say, but she's no more. She's no more. परी परी आके खोलो परी परी मैं तुमसे बात करो परी आके खोलो परी परी तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो परी तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो परी तुमसे बहुत प्यार करता हूं परी 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 आके खोलो परी नहीं 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 परी 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 जो कर रहा है कर लो संजू, अब परी वापस नहीं आने वाली। यही तो मैं चाहती हूँ, तेरी मौत के बाद ही संजू मुझे मिलेगा। चलो बहुत बातें हो गई, मर जाओ, तेरे मरने का वक्त आ गया है। नीति, परी परी मुझसे बात कर। परी देख, तू अपनी नीति की बात नहीं मानेगी क्या? उठ ना, बात कर मुझसे। ज्योति देखना, ये मुझसे बात नहीं कर रही है, इसे क्या हुआ है? परी परी उठ प्लीज, ज्योति कुछ कर ना प्लीज, ये मुझसे बात नहीं कर रही है। कभी कभी बॉडी में अचानक से ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाती है, जिससे पेशेंट की सांसें फूलने लगती हैं। लेकिन रब पे भरोसा रखनी थी, परी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, तेरी दुआएं खाली नहीं जाएंगी। कौन दुआ मांग रहा है इस मनुष्य के लिए? दोस्तों की दुआ कभी खाली नहीं जाती। मैं तो इसकी मौत चाहती हूँ दुआ में, पर भगवान जी की सुन ही नहीं रहे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपनी परी को देखने आई थी। आखिर बचपन की दोस्त जो है, परी को ऐसी हालत में देख के नीति को कितनी तकलीफ हो रही होगी। एक दोस्त होने के नाते मैं समझ सकती हूँ, है ना नीति? मैं चलती हूँ, मेरी ड्यूटी दूसरे वार्ड में है। आप लोग परी का ख्याल रखना, कुछ भी काम हो तो बोल देना मुझे। परी, तुम्हारी इस चुप्पी से कितना परेशान हो चुका हूं मैं। बार बार अपना फोन चेक कर रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे अभी फोन करोगे और मुझसे पूछोगे, राजीव तुमने खाना खा लिया? और मैं तुम्हें कहूंगा, नहीं परी, खाना मैं मीटिंग खत्म होने के बाद खाऊंगा। और तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे, मुझे कहोगे कि नहीं राजीव, या तो अभी खाओ या तो मैं खुद तुम्हारे ऑफिस में आ रही हूं खाना लेकर। क्यों कर रही हो तुम परी मेरे साथ ऐसा? ऐसा तो वो लोग करते हैं जो आपसे नाराज होते हैं। नाराज हो मुझसे? हाँ बोलो ना परी, नाराज हो? तुम बहुत अच्छी हो परी, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी सुना देता हूँ, गुस्सा कर देता हूँ, और जब थोड़ी देर बाद तुमसे बात करता हूँ तो तुम ऐसे बिहेव करती हो कि जैसे हमारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं था। कैसे हो इतनी अच्छी परी, इतनी काम, इतनी पेशेंट कैसे हो तुम? वो कहते हैं ना, जब कोई आपके साथ होता है तो आप उसकी वैसी कदर नहीं करते जैसी आपको करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं लोग। देखो ना परी,
कैसी हालत हो गई है मेरी तुम्हारे बिना। परी मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज़ को मिस कर रहा हूँ मैं परी। परी प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम क्यों नहीं मेरी बात सुन रही हो परी? परी मेरी हालत देखो, हमारे परिवार की हालत देखो परी, तुम क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? ठीक है, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी है, और जब तक तुम आवाज़ नहीं लगाओगी ना, वापस नहीं आऊँगा। जा रहा हूँ मैं।